हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शफीक। आप देख रहे हैं MD प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में MI पे के बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे इसमें रजिस्टर करना है, कैसे इसमें UPI ID क्रिएट करनी है, कैसे इसमें बैंक अकाउंट ऐड करना है, कैसे यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, सारी डिटेल दोस्तों बताने वाला हूँ। आप चाहते हैं कि आपको पता चले MI पे को यूज कैसे करना है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बता दें MI पे आपको डाउनलोड कहाँ से करना है अगर आपके पास नहीं है तो। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ MI पे आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आप MI कंपनी का फ़ोन यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी फ़ोन हो, तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिलता है जिसका नाम है गेट ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, पहले वो MI ऐप्स के नाम से हुआ करता था, अभी वो गेट ऐप्स के नाम से हो गया है। तो दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है MI पे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे MI पे को ओपन कर लेता हूँ। जैसे हम MI पे को ओपन करेंगे, हमें यहाँ पे कुछ परमिशन को अलाउ करना है, तो मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या फीचर दिया गया है। जैसे कि यहाँ से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से आप किसी से पैसा मंगवा सकते हैं रिक्वेस्ट भेज के, या अगर आपको QR कोड स्कैन करके पेमेंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, वाटर बिल पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, गैस बिल पेमेंट कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, लैंडलाइन रिचार्ज कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे नीचे आपको माई प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, ट्रांजेक्शन QR कोड। तो यहाँ पे मैं माई प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोई भी मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी नहीं रजिस्टर्ड है। अभी हमें क्या करना है पे रजिस्टर करने के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें बैक जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, इसके लिए हमें माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर पे क्लिक करता हूँ। फ़ोन नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा, आपके मोबाइल में जो भी यहाँ पे सिम कार्ड लगे होंगे, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन से सिम कार्ड से रजिस्टर करना चाहते हैं, 1 से करना चाहते हैं या 2 से करना चाहते हैं। तो जिस भी सिम कार्ड से आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पे मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देखते हैं, यहाँ पे हमने नंबर 2 सेलेक्ट किया, उसके बाद ये बोल रहा है कि नंबर 2 का जो मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर अभी डाल दिया, अभी मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ परमिशन को अलाउ करना है, मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें थोड़ी देर वेट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है SMS सेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसके द्वारा SMS भेजा जाता है। आपने अगर कोई भी पहले UPI एप्लीकेशन रजिस्टर्ड किया होगा तो आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे SMS जाता है। जैसे कि SMS जा चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने मैसेज भी आ चुका है, योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और दोस्तों, यहाँ पे हमारा MI अकाउंट शो हो रहा है, पहले भी हो रहा था लेकिन उसके नीचे मोबाइल नंबर नहीं शो हो रहा था। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर हमारा शो हो रहा है। अभी यहाँ पे आप क्या करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट बैंक अकाउंट, यहाँ पे भी आप क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, या दोस्तों आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी बैंक आ जाएगी। तो ये आपका मोबाइल नंबर जिस भी बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है, ठीक है, चाहे वो SBI हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यानी बहुत सारी बैंकिंग हैं। तो आपका मोबाइल नंबर जो भी आपने अभी MI पे में रजिस्टर किया है, वो मोबाइल नंबर जिस भी बैंक अकाउंट में आपका रजिस्टर्ड है, वही बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपना पेटीएम पेमेंट बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे हमारे सामने पेटीएम पेमेंट बैंक आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पूछेगा इंटर UPI पिन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपकी UPI पिन पहले से बनी हुई है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी UPI पिन इंटर UPI पिन पे क्लिक करके डाल देना है। अगर आप भूल चुके हैं तो आपको फॉरगोट योर UPI पिन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं अपनी UPI पिन हमारा पहले से बना हुआ है, ठीक है। अगर आप UPI यूज करते हैं तो आपका तो UPI पहले से रजिस्टर्ड होगा, बस केवल यहाँ पे आपको अपना UPI का जो पिन होता है 4 अंकों का, अगर 6 अंकों का है तो 6 अंकों का, वो यहाँ पे आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे इंटर UPI पिन पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो भी हमारा UPI पिन है उसको यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है क्रिएट यूपीआई आईडी फॉर द बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर तो आया हुआ है। अगर आप मोबाइल नंबर को ही अपनी यूपीआई आईडी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। एंड में आपका एट द रेट माई आई सी आई रहेगा, ठीक है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर ही रहने देता हूँ अपनी यूपीआई आईडी को। अभी यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है यूपीआई आईडी अवेलेबल, ठीक है, ये यूपीआई आईडी अवेलेबल है। अभी यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो यूपीआई आईडी है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। हमारे सामने एमआई पे का मैसेज भी आ चुका है। अभी दोस्तों हमें यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पे ऐड हो चुका है बैंक अकाउंट में। पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ बैंक अकाउंट, यहाँ पे हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड हो चुका है। दोस्तों अभी हमें क्या करना है, मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी और भी फीचर आपको दिया गया है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। मैं क्यूआर कोड पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब आप क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आपका क्यूआर कोड शो हो जाएगा और यहाँ पे जो आपकी यूपीआई आईडी है वो भी शो हो जाएगी। आपका नाम भी यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेट अमाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप कोई अमाउंट भी डाल सकते हैं, जैसे कि 100, 200, 300, 400 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे जो अमाउंट आप डाल देंगे तो अगर आपका क्यूआर कोड कोई स्कैन करेगा तो आपको उतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा जो यहाँ पे आपने डाला होगा। तो मुझे इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको और बैक कर देता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं एमआई पे के थ्रू तो आपको यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, सेंड टू यूपीआई आईडी, ठीक है। आप किसी के यूपीआई आईडी पे भी पैसे भेज सकते हैं, या दोस्तों अगर आपको बैंक अकाउंट पे भेजना है तो आपको यहाँ पे सेंड टू बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, डाल देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी डालना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डाल के भेज देना है जो भी आपको अमाउंट भेजना पड़ेगा। तो उसके बाद दोस्तों अगर आप बैंक अकाउंट पे भेजना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेंड टू बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आईएफएससी कोड, बेनिफिशियरी का नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर ये डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आएगा कि आप कितना अमाउंट डालना चाहते हैं। जो भी अमाउंट आप भेजना चाहते हैं वो अमाउंट डाल के आपको यहाँ पे भेज देना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, सारी डिटेल दोस्तों हमने आपको बता दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी सवाल है इस एप्लीकेशन को लेकर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई ऐसी यूजफुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।